वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया से पहली बार के लिए स्पेस ट्रैवल किया था? तो उसका जवाब एक ही आता है, और वो है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीसीज थे, जैसे कुछ मक्खियाँ या रैट्स, जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम था एल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लाइका को ही स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से आज हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवर में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी थी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं या फिर न्यूज मैगजीन्स या स्कूल के किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्टों के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1957 मॉस्को, जो कि रशिया में स्थित है। इस समय मॉस्को के सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारे कुत्ते की तरह घूम रही थी, और इस समय इसकी उम्र थी 3 साल। तब उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पे जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्पुटनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसीलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफ़ी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुटनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। यही स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था, 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग के स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुटनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इसी तरह स्पुटनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की ही देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारे कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत थी, जो इस स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। तो इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिला, और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुटनिक 2 का केबिन काफी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वह स्पुटनिक 2 के केबिन में अच्छे से अकस्टम्ड हो सके। तो देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म हुआ और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता ही नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन पे भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ अपने घर लेके गए, और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को उनके बच्चे के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था, तो फाइनली लाइका को स्पुटनिक 2 के अंदर केबिन में चेन से बांध के अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपने जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957, लाइका के जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुटनिक 2 लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका के नाक पे चूम के आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुटनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, और लाइका के साथ स्पुटनिक 2 ऊपर अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुटनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफी नहीं था, और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था, और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही। और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था, और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसी अवस्था में स्पुटनिक 2 162 दिन तक अंतरिक्ष में था, और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में
स्पुटनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया के सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति या स्मारक बनाई थी। ये वही जगह था जहाँ पे लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ कंट्रीब्यूशन तो रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।